पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड से गुजर रहा है। इक्तसादी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। तमाम फरीकैन में कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेवल अकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा मैरीटाइम सूरतेहाल मुसलसल तब्दील हो रही है, मुस्तकबिल में नेवी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। आर्मी चीफ का मलिर गैरिसन का भी दौरा, यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। सेलेक्टेड ने इस मुल्क के शहदा की जो लहू है उस पे सौदा करके जो दहशतगर्द मुलव्वस थे, जो आप पकड़ चुके थे, उनको भी आपने छुड़वा दिया। जमहूरी हथियार अपना के, आईनी रास्ता अपना के, अदम एतमाद ले आके उसको घर भेजेंगे। आपने इस कठपुतली का, इस नालायक का, इस सेलेक्टेड का सही बंदोबस्त कर दिया। 6 महीने गुजरने के बाद भी बनी गाला से चीखे निकल रही है। इमरान खान ने मुल्क को मौशी तबाही की तरफ धकेला। हमें इंपोर्टेड कहने वाले ने दहशतगर्दी को वापस इंपोर्ट किया, शहदा के लहू का सौदा किया गया, मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो के इमरान खान पर ताबड़तोड़ वार, बोले सेलेक्टेड को जमहूरी तरीके से अदम एतमाद के जरिए घर भेजा। कठपुतली की अभी तक बनी गाला से चीखें निकल रही हैं। कराची का अगला मेयर जयाला होगा। ۲۰۲۳ आ गया, पाकिस्तान में नए साल का जबरदस्त इस्तकबाल। मुख्तलिफ शहरों में आसमान रंग और रोशनियों से दमक उठा। कराची, लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद में आतिशबाजी, मंचले जश्न मनाने घरों से निकल आए। नए साल को खुश आमदीद कहा। 24 न्यूज की जानिब से कौम को नए साल की मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलिया से एशिया तक रंगो नूर की बरसात। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नए साल का वालेहाना इस्तकबाल। ऑकलैंड के स्काई टावर्स पर जबरदस्त आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर शानदार जश्न। चीन, थाईलैंड और हांगकांग में आसमान रंगीन हो गया। जापान और जनूबी कोरिया में दिलफरेब नजारों ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। लोगों ने फैमिलीज के साथ इन लम्हों को यादगार बनाया। नए साल का नए अज्म, नए ख्वाब, नए हौसले से आगाज करें। जिंदगी के अहदाफ का तयन करें। इत्तेहाद, यकीन और तंजीम को नस्बुल ऐन बनाएं। दुआ है 2023 अमन, मोहब्बत, तरक्की और खुशहाली लाए। अमरीकी सबसे आखिर में 2023 का जश्न मनाएंगे। अमरीका में सबसे बड़ा जश्न न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर होगा। साल नौ को खुशामदीद कहने की तैयारियां मुकम्मल। 2023 आ गया, पाकिस्तान में नए साल का जबरदस्त इस्तकबाल। मुख्तलिफ शहरों में आसमान रंग और रोशनियों से दमक उठा। कराची, लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद में आतिशबाजी। मंचले जश्न मनाने घरों से निकल आए। नए साल को खुश आमदीद कहा। 24 न्यूज की जानिब से कौम को नए साल की मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलिया से एशिया तक रंगो नूर की बरसात। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नए साल का वालेहाना इस्तकबाल। ऑकलैंड के स्काई टावर्स पर जबरदस्त आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर शानदार जश्न। चीन, थाईलैंड और हांगकांग में आसमान रंगीन हो गया। जापान और जनूबी कोरिया में दिलफरेब नजारों ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। लोगों ने फैमिलीज के साथ इन लम्हों को यादगार बनाया। नए साल का नए अज्म, नए ख्वाब, नए हौसले से आगाज करें। जिंदगी के अहदाफ का तयन करें। इत्तेहाद, यकीन और तंजीम को नस्बुल ऐन बनाएं। दुआ है 2023 अमन, मोहब्बत, तरक्की और खुशहाली लाए। अमरीकी सबसे आखिर में 2023 का जश्न मनाएंगे। अमरीका में सबसे बड़ा जश्न न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर होगा। साल नौ को खुशामदीद कहने की तैयारियां मुकम्मल। वो खुद कह रहे हैं, हाँ जी हमारी मदद हुई थी, लेकिन तुमने कराची के साथ क्या किया? कभी आते थे 200-250 अरब रुपए का ऐलान, कभी 1100 अरब रुपए का ऐलान। 11 रुपए खर्च नहीं किए इन्होंने कराची में।
अब कोई कराची को बंद नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की कयादत में स्ट्रीट क्राइम से भी निमट लेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जयालो से खता, बोले पीटीआई ने सबसे बड़े शहर में एक रुपया भी खर्च नहीं किया। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कराची को बदलेंगे, कराची को ऐसा शहर बनाएंगे कि दुनिया भर में चर्चे होंगे। इतनी कमाई कहां से आई, जायदादें कैसे बनाई? एफआईए की सायरा अनवर के खिलाफ इंक्वायरी। पंजाब की अहम तरीन शख्सियत की तीसरी अहलिया तहकीकात के लिए तलब। बड़े सियासी खानदान में खलबली मच गई। फराह गोगी से भी मुआजना किया जाने लगा। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात ना हो सके। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल रुकनी बेंच का फैसला कानून और हकायक पर पूरा नहीं उतरता। अदालत से फैसला कलदम करार देने की इस्तदा। अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात को दूर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन हुकूमत की बी टीम है, इमरान खान का इल्जाम। कहते हैं पीडीएम आवाम से खौफजदा हो चुकी है और इंतखाबात से भाग रही है। वोट बुनियादी जमहूरी हक है, पीटीआई इसके लिए जिद्दोजहद करेगी। इक्तदार में होते हुए आपने बलदियाती इलेक्शन क्यों रोके? पंजाब में इलेक्शन कराने की कमिटमेंट की थी, इसका क्या हुआ? इलेक्शन से फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर भाग रहा है। मरियम औरंगजेब का इमरान खान पर जवाबी वार, कहती हैं फॉरेन एजेंट को अफसोस है, मुल्क को दिवालिया करने की कमिटमेंट पूरी नहीं की। नए साल पर भी कोई रिलीफ नहीं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। यकुम से 15 जनवरी तक मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान, पेट्रोल 214.80 रुपये और डीजल की कीमत 227.80 रुपये प्री लीटर पर बरकरार। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, लाहौर में अद्वियात का बहरान। डिस्प्रिन समेत मुख्तलिफ अद्वियात का स्टॉक खत्म हो गया। पीआईसी में अद्वियात की किल्लत से मरीज मायूस लौटने लगे। के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फबारी के बाद यख बस्ता हवाओं का राज। गिलगित और नीलम वैली में बर्फबारी से नजारे हसीन हो गए। इस तौर और गजर में रास्ते बंद होने से मकामी अफराद और सयाहों को मुश्किलात। मरी और गलियात में सयाहों का रश। पीसीबी का डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करने का ऐलान। पाकिस्तान जूनियर लीग खत्म करने का फैसला। चेयरमैन नजम सेठी ने आइंदा साल विमेंस क्रिकेट लीग कराने की भी खुशखबरी सुना दी। तमाम खिलाड़ियों के माहिदों में तौसी होगी।